नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारे लैपटॉप की चार्जिंग पिन, मोबाइल की चार्जिंग पिन खराब हो चुकी है। मैं अलमाटी कजाकिस्तान में उनको दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं। आज के ब्लॉग बहुत ही आकर्षक बनने वाला, बने रहिएगा। अपन हॉस्टल के काउंटर पर आ चुके हैं और टैक्सी कर दिए, थोड़ी देर में टैक्सी आ जाएगी, फिर टैक्सी के थ्रू अपन यहाँ के लोकल मार्केट आता कैंट चलते हैं। मुझे क्या ठीक कराना है आज? मेरे को लैपटॉप ठीक करवाना है, उसको चार्ज नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा महंगा लैपटॉप है वो। अच्छा अच्छा, तो आज अपन चलते हैं दोस्तों आता कैंट है, वहाँ फ़ोनों की बहुत अच्छी रिपेयरिंग होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो मिलता है, तो आज चेक कराते हैं इसका ठीक हो पाता नहीं हो पाता। आप देख सकते हो हमारी टैक्सी आ चुकी है, इसमें अंकित और भूपिंदर बैठ रहे हैं और मैं भी बैठता हूं और फिर यहां से अपन निकलते हैं। तो अब अपन टैक्सी के अंदर आ चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित सोलंकी और मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सीनियर भैया अनिल भैया मेरे को लैपटॉप रिपेयर करवाने ले जा रहे हैं। बहुत ही दयालु किस्म के इंसान है और इस ब्लॉक में बहुत ही मजा आने वाला है। आप देख सकते हो, दिस इज अनिल ब्रो, बिग ब्रदर, एंड इनके पास जो भैया बैठे हैं उनका मोबाइल खराब हो गया है, तो हम मोबाइल से करने जा रहे हैं। आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है, आप हमारे साथ बनी रहिएगा लास्ट तक। गाइस, मीट माय न्यू फ्रेंड। तो अब मैं टैक्सी से बाहर आ चुका हूं और जस्ट रोड क्रॉस करके आता कैंट की बिल्डिंग है, अपन उधर चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है आता कैंट और अपन इसके जो ये मेन गेट है इसके सामने आ चुके हैं। अब अपन इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं, आप बने रहिएगा। तो अपन आ चुके हैं और काफ़ी आकर्षक लग रहा है मॉल, और अपन अब एस्केलेटर की सहायता से चलते हैं ऊपर, आप बने रहिएगा। तो अभी अपन सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं और सेकंड फ्लोर पर देखते हैं शॉप मिलती है नहीं मिलती रिपेयरिंग की, और उसका ही ढूंढ रहे हैं, उसी का इंतज़ार है। दोस्तों बहुत ही आकर्षक मॉल है, इसमें मैं लगभग तीसरी बार आ रहा हूं। दोस्तों कजाकिस्तान की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत ही आकर्षक शहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई का यहां ध्यान रखा जाता है, बहुत ही बड़ा मॉल है, इसमें घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया। के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर सारे फ़ोन लगे हुए हैं, ये म्यूजियम की टाइप से लगाए हुए हैं यादों के लिए। इसमें ऑलमोस्ट फ़ोन आपने देखे होंगे वो ये नोकिया 1100 जो पहले चलते थे सैमसंग के, इसके अलावा स्पाइस के, तो आप देख लीजिएगा। देख सकते हो इनको फ़ोटो खिंचाने का काफ़ी शौक है, इन्होंने हमें बुलाया है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये कपल्स हैं। तो मेरे पीछे देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है यहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान रखा हुआ है और सारे सेकंड हैंड फ़ोन बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ, नए भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको सिम लेनी है सिम भी ले सकते हो, सब कुछ यहाँ रिपेयरिंग भी किया जाता है। बहुत ही आकर्षक लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन का यहाँ पालन किया हुआ है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं। तो एट लास्ट हम ये रिपेयरिंग की शॉप पे आ चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हो लैपटॉप रखे हुए हैं। अब अपन इससे डिस्कस करते हैं कि क्या इसमें कमियाँ हैं, कितने देर में ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ से चलेंगे। दोस्तों तीन चार शॉपों पे ट्राई कर लिया है लैपटॉप को रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन इस अंकित सोलंकी का लैपटॉप कहीं भी रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अब अपन इस शॉप पर आए हुए हैं, ये हमें बताई गई है, अब ये लास्ट ऑप्शन है, अगर इस पर रिपेयरिंग होता है ठीक है, अदरवाइज इस मॉल में कहीं रिपेयरिंग नहीं हो पा रहा है। उसके बाद वन प्लस की चार्जिंग पिन को सही करा के देखते हैं, वो होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हमको वापस जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे अंकित के लैपटॉप को यहाँ चेक किया जा रहा है, अगर ये ठीक हो पाता है तो ये इसको ठीक कर देंगे,
नहीं फिर ये भी मना कर सकते हैं, और ये अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो इस शॉप पर अलग अलग कंट्रियों की करेंसी लगी हुई हैं और कई कंट्रियों की हैं, मैं तो इनमें से ज़्यादा को नहीं जानता। ये किसको जानता हूँ, ये डॉलर्स है, इसके अलावा मैं किसी भी कंट्री की करेंसी को नहीं जानता, पर देख के आई हो बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। तो इसने रिपेयरिंग करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जो प्रॉब्लम थी इन पर सॉल्व नहीं हो पा रही है और इन्होंने मना कर दिया है। अब हमने इस आता कैंट की सारी शॉपों पर ट्राई कर लिया है, लेकिन रिपेयरिंग का काम या नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो वो लोग मना कर रहे हैं कि हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब लैपटॉप का तो यह है कि ये प्रॉब्लम ही रहेगी, अब लगता है इसको इंडिया ही जाके ठीक कराना पड़ेगा। अब अपन दोस्तों वन प्लस का ये जो चार्जिंग पिन है इसमें काम नहीं कर रही है, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर ये काम करती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसको भी इंडिया ही जाके ठीक कराना पड़ेगा। How are you? I'm fine. How are you? Good. Fine. You are a student? Yeah. Which course? Four course. Yeah. Medical engineering. Engineering. Yeah. What is your university name? Either. University name? University. How is? Open. Open. Yeah. Almaty. Open. Yeah. Almaty. Yeah. देख सकते हो अपन मोबाइल फ़ोन बिल्कुल चेक कराने के लिए यहाँ आ चुके हैं, और ये भूपिंदर है, इसने दिया है अपना वन प्लस, और इसकी चार्जिंग पिन चेंज हो जाएगी। इन्होंने 4000 टेंगे का चार्ज लिया है, और अब थोड़ी देर में ये हमारे लिए दे देंगे, अपन वेट करते हैं। और आप देख सकते हो तो हमारा जो वन प्लस है वो हमें मिल चुका है, उन्होंने रिपेयर किया है, और लगभग 1.5 घंटा इसमें टाइम लग चुका है। 1.5 घंटे के अंदर हमने इस मॉल को घूमा, काफ़ी चीज़ें देखी। अब अपन बाहर निकलते हैं और अपने हॉस्टल पहुंचते हैं, आप बने रहिएगा। तो अलमाटी में मैंने देखा है यहाँ आईफोन, सैमसंग सारे फ़ोन मिल जाते हैं, लेकिन वन प्लस नहीं मिल पाता है, जबकि वीवो, ओप्पो और वन प्लस एक ही कंपनी है, लेकिन वीवो ओप्पो अवेलेबल है, वन प्लस नहीं है। इस वजह से जो स्टूडेंट आने वाले समय में अलमाटी आएँ तो कोशिश करें आप वन प्लस का फ़ोन ना लेके आएँ, क्योंकि यहाँ रिपेयरिंग नहीं होती, ना ही यहाँ कोई उसका सर्विस सेंटर है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पर इस मॉल के बाहर आ चुके हैं, और जो लैपटॉप था वो हमारा ठीक नहीं हो पाया, इसके अलावा हमारा जो वन प्लस था वो ठीक हो चुका है, और अब अपन हॉस्टल के लिए रवाना होते हैं। आई होप आपको अच्छा ब्लॉग लगा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको अलमाटी कजाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की, और आने वाले समय में मैं आपको और बेहतरीन चीज़ें दिखाऊँगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।